everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vasu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी स्पेशल रीडिंग्स के साथ में। जी हाँ, ये रीडिंग्स हैं स्पेशल क्योंकि ये हैं बर्थडे रीडिंग्स। सो जिन भी लोगों का है आज जन्मदिन, ये रीडिंग है उनके लिए। तो जो भी लोग 1 दिसंबर को बॉर्न हुए हैं, आपका आने वाला साल कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, क्योंकि है आज आपका जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको सद्बुद्धि दे, है ना, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दें। चलिए आपकी बात करते हैं कार्ड्स की, कि कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। रिकवरी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, 4 चक्रा, मेक अ डिसीजन। बात करें टैरो की तो क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो क्योंकि मैं सम अप करती हूँ, हमेशा बताती हूँ आपको कि शुरुआती तौर में भी अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछो साल कैसा रहने वाला है, तो भाई मिला जुला सा रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें तो खैर अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, कुछ भी एज सच नेगेटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बट आई वुड से कि जो आउटकम फाइनली आपको चाहिए होगा ना, वो साल के अंत में जाते जाते आपके पास आ रहा है, उससे पहले नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अपने एफर्ट्स जो आप पहले से भी लगा रहे थे, इस साल भी लगाने वाले हो, उन एफर्ट्स को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ना, एक तरीके से जो पहचान मिलनी चाहिए, वो साल के अंत तक आते आते आएगी। खास करके मुझे लगता है जून महीने के बाद में जो है आपका टाइम काफ़ी बदलेगा, तब आपकी चीज़ें जो हैं और उलझने भी एक तरीके से बोल सकती हूँ सुलझनी शुरू होंगी। साल की शुरुआत में क्योंकि आया हुआ है क्वीन ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ वांड्स जो कि अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, साथ में बैठा है लवर्स। तो प्यार को लेकर के भी बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना कि काफ़ी टफ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देती है कि आपके लव रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी भी है। आप किसी स्पेसिफिक एक इंसान को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मुझे फैंटेसाइज करते हुए भी नज़र आते हो यहाँ पे, जो कि ओके है, मतलब बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। बट आई वुड से कि आपका जो फोकस है ना, वो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी की तरफ होना चाहिए। यानी कि जो काम की तरफ आपका अगर फोकस ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे इस आने वाले साल का। काम के मामले में समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है मुझे, एक नहीं बल्कि 2-2 बिजनेस से पैसे कमाओगे, 2-2 जॉब से भी पैसे कमा सकते हो। तो मनी इज़ कमिंग फ्रॉम 2 साइड्स इन दिस ईयर। तो एक काम से आपका काम नहीं चल रहा है, आप कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा काम ही करोगे और ठीक ठाक पैसे उससे आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। प्यार के लिए भी साल अच्छा है क्योंकि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड आया है। जो लोग सिंगल हैं, चाहते हैं कि भाई मिंगल हो जाएं, तो आप कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में जाइए या फ्रेंड सर्कल की पार्टीज में जाइए, वहीं पर आपका लाइफ पार्टनर आपको जो है आने वाले वक्त में मिलेगा। 4 चक्रा का कार्ड है, 4 चक्रा भी होता है आपका हार्ट चक्रा, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। दिल को कुछ तो चाहिए वाला सीन है यहाँ पे। मेक अ डिसीजन का कार्ड भी है, तो लवर्स भी कई बार लाइफ में चॉइसेस दे रहा होता है, जो हमें चूज़ करना पड़ता है, कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो टाइमिंग भी आपको देखने को मिलेगा। फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक ए डिसीजन। तो ऐसे में खुद के साथ थोड़ा देर शांति से बैठ जाओ और सोचो कि आप चाहते क्या हो, तो देखना आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली टेक ए डिसीजन। हेल्थ के मामले में बोलूँगी कि रिकवरी का साल है, चीज़ें बेटर ही होंगी। अगर ऑलरेडी कोई डैमेज हो रखा है हेल्थ को लेकर के, कोई पुरानी बीमारी थी जो चल रही थी, तो मुझे लगता है आप ग्रेजुअली इस साल में आपको अपनी हेल्थ में बेटरमेंट देखने को मिलेगी। ओवरऑल एक तरीके से अगर मैं सम अप करना चाहूँ आपकी रीडिंग को, है ना, तो कौन सा महीना रहता बहुत अच्छा, कौन से में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो बोल दो जून का महीना तो मार्क कर लो ऐसे करके ना कैलेंडर में बड़ा बड़ा करके कि भैया जून का महीना आपके लिए रहेगा सुपर डुपर लकी, उसमें काफ़ी सारे अच्छे काम होंगे आपके, आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है जून के महीने के अंदर, विच इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी, कि कोई अवार्ड ज़रूर आप लेकर के आएंगे, मतलब नाम रोशन कर रहे हैं आप जून के महीने में। जुलाई में रखिए ध्यान, फरवरी का महीना भी अच्छा है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो फरवरी के महीने में कर सकते हैं। कलर की बात करूँ तो येलो और ग्रीन आपके लिए लकी रहेंगे, ग्रीन में भी थोड़ा सा सी ग्रीन चाहिए, रॉयल ग्रीन पे मत जाइएगा, राइट, आप जाइए सी ग्रीन कलर लीजिए, येलो कलर लीजिए, आपके लिए लकी रहेंगे। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 और नंबर 6 जो है आपके लिए लकी रहेगा। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही है, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।